नमस्कार दोस्तों, हम लोग सीटेट एग्जाम के लिए एनसीईआरटी की थ्योरी पढ़ रहे थे, साइंस सब्जेक्ट की। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था दोस्तों कि फोर्स क्या होता है और फोर्स कैसे चेंज कर सकता है स्टेट ऑफ मोशन को। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कांटेक्ट फोर्स क्या होता है या नॉन कांटेक्ट फोर्स किसे कहते हैं, दोनों के एग्जाम्पल बताया था हमने। इसके बाद हम लोगों ने फ्रिक्शन फोर्स के बारे में पढ़ा था, रोलिंग फ्रिक्शन के बारे में पढ़ा था दोस्तों, और फ्लूइड फ्रिक्शन के बारे में पढ़ा था। तो आज हम पढ़ेंगे दोस्तों साउंड क्या होता है और साउंड प्रोड्यूस कैसे होती है। तो हम देखते हैं दोस्तों साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है। किसी कंपन करती हुई बॉडी के द्वारा वाइब्रेशन का मतलब होता है दोस्तों कंपन। तो दोस्तों जब एक बैंड को क्या करते हैं, टाइटली स्ट्रेच करके उसको प्लग कर देते हैं और उसे वाइब्रेट करवाते हैं, तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, वो साउंड प्रोड्यूस करता है। अगर ये कंपन करना बंद कर दे तो जो साउंड प्रोड्यूस होती है वो भी यानी बंद हो जाती है। तो इसका मतलब दोस्तों यह है कि ये कंपन करती हुई वस्तु क्या प्रोड्यूस करती है, वो साउंड प्रोड्यूस करती है। लेकिन कुछ ही केसों में यह कंपन हमें दिखाई देता है और मोस्ट ऑफ केसेस में क्या होता है, इसका आयाम इतना स्मॉल होता है दोस्तों कि हम उसे देख नहीं सकते हैं, बस हम उसे क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। दोस्तों जैसे ये एक पेन है, आपने क्या कर दिया, इसे किसी रबड़ से स्ट्रेच करके बांध दिया है। फिर आप इसको इस छड़ी से मारिए, जब आप इस छड़ी को मारेंगे उसके बाद इसको अपने हाथ से क्या करें, इसको अपने हाथ से टच करें, तो जो इसका कंपन होता है उसे आप फील कर सकेंगे। क्योंकि जब आप छड़ी से मारेंगे तो इस दौरान ये आवाज प्रोड्यूस करेगा, लेकिन कंपन क्या पता आपको ना दिखाई दे दोस्तों। तो छड़ी से मारने के बाद आप इसे अपनी उंगली से टच करके इसका कंपन फील कर सकते हैं। इसके बाद पढ़ेंगे दोस्तों हम साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है एक ह्यूमन के द्वारा। तो ह्यूमन में क्या होता है दोस्तों, ह्यूमन में क्या होता है, साउंड प्रोड्यूसिंग बॉक्स होता है जिसे हम लोग वॉइस बॉक्स या लैरिंग्स कहते हैं। ये वॉइस बॉक्स है जो ह्यूमन में है, इसका फोटो यहाँ पे दिखाया गया है दोस्तों। आप अपने थ्रॉट पे क्या करिए, ये थ्रॉट पे अपनी उंगली को रखिए। अपनी उंगली को जब आप थ्रॉट पे रखेंगे तो आप ये फील करेंगे कोई चीज निगल रहे हो, उस टाइम अपनी उंगली को थ्रॉट पे रखिए तो आप देखेंगे कि ये आपको क्या है, ये आपको चलता हुआ प्रतीत होता है, चलता हुआ प्रतीत होता है। तो दोस्तों ये हमारा वॉइस बॉक्स या लैरिंग्स है जिससे ह्यूमन में क्या होता है, जिससे ह्यूमन में साउंड प्रोड्यूस होती है। और ये स्थित कहाँ होता है दोस्तों, ये स्थित होता है श्वास नली के ऊपरी सिरे पे, या स्थित होता है दोस्तों लैरिंग्स के आर पार। क्या होता है, दो वोकल कॉर्ड इस तरह से तने होते हैं कि उनके बीच क्या है, वायु निकलने के लिए एक संकीर्ण झिल्ली बन जाती है। उनके बीच वायु निकलने के लिए क्या होता है, एक संकीर्ण झिल्ली बन जाती है। जब हमारा लंग क्या करता है, फोर्स करता है एयर को स्लिट के थ्रू, तो ये वोकल कॉर्ड क्या होता है, ये कंपन करता है और साउंड प्रोड्यूस होती है। तो दोस्तों इस तरीके से आपने देखा ह्यूमन में साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है। दोस्तों ये नोट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, साउंड को दोस्तों मीडियम चाहिए ट्रेवल करने के लिए, साउंड वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करता है। इसको आप लोग याद रखिएगा दोस्तों कि साउंड को मीडियम की जरूरत होती है ट्रेवल करने के लिए। वो मीडियम कुछ भी हो सकता है, लिक्विड गैसेस, लेकिन साउंड वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करता है। दोस्तों इसके बाद हम देखेंगे कि हम आवाज को कैसे सुन पाते हैं, आवाज को हम किससे सुनते हैं, आवाज को हम अपने कानों से सुनते हैं, कानों से सुनते हैं दोस्तों, आवाज को हम अपने कानों से सुनते हैं। जब यह ध्वनि कहाँ पहुंचती है, कान में, ध्वनि कान में क्या करती है, प्रवेश करती है, प्रवेश करती है, तो क्या होता है, एक नलिका से होते हुए वो कहाँ पहुंचती है, ईयर ड्रम तक जाती है। फिर क्या करती है, ईयर ड्रम तक, आप ये देख रहे होंगे ये एक नलिका है, इससे साउंड क्या है, इससे होते हुए ईयर ड्रम तक पहुंचती है। फिर ध्वनि
के कंपन जो होते हैं, इसके कंपन जो होते हैं वो ईयर ड्रम को क्या करते हैं, ईयर ड्रम को क्या करते हैं, उसको कंपित कर देते हैं, उसको भी कंपित कर देते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है दोस्तों, ईयर ड्रम जो होता है ये साउंड को क्या करता है, ये साउंड को इनर ईयर तक भेजता है। ये साउंड को कहाँ भेजता है, इनर ईयर तक भेजता है। फिर इनर ईयर से क्या होता है, इनर ईयर से संकेतों के द्वारा ये साउंड कहाँ, ब्रेन में भेज दिया जाता है। फिर उसके बाद हम उसे सुन लेते हैं। दोस्तों ये नोट इम्पॉर्टेंट है कि अगर हमारा ईयर ड्रम डैमेज हो जाए तो हमारी हियरिंग जो होती है वो इम्पेयर्ड हो जाती है, क्योंकि दोस्तों अभी हमने बताया कि साउंड जो है नलिका से होते हुए कहाँ पहुंचती है, ईयर ड्रम में पहुंच कर इसको कंपित करती है। फिर ये ईयर ड्रम क्या करता है, ये साउंड को इनर ईयर के पास भेजता है। अगर ये डैमेज हो जाएगा तो हम सुन नहीं सकते। अब हम दोस्तों पढ़ेंगे ऑसिलेटरी मोशन, जिसे दोलन दोलन गति कहते हैं। तो किसी वस्तु का दोस्तों इधर उधर की गति करना ही क्या कहलाता है, कंपन कहलाता है। और इस मोशन को क्या कहते हैं, दोलन गति कहते हैं। दोस्तों फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं, तो जो नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड प्रोड्यूस हो रहा है उसे हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन कहते हैं। दोस्तों अगर फ्रीक्वेंसी की यूनिट पूछी जाए तो इसकी यूनिट हर्ट्ज होती है, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हर्ट्ज। दोस्तों ये नोट इम्पॉर्टेंट है कि ध्वनि की प्रबलता क्या होती है, ध्वनि की प्रबलता ध्वनि उत्पन्न करने वाले कंपनों के आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। आप लोग इसको याद रखिएगा दोस्तों, क्योंकि जो ध्वनि की प्रबलता होती है वो आयाम पे डिपेंड करती है। एम्पलीट्यूड का मतलब होता है आयाम, वो आयाम पे डिपेंड करती है। जब आयाम जो होगा वाइब्रेशन का लार्ज होगा तो जो साउंड प्रोड्यूस होगी वो बहुत प्रबल होगी, अगर ये आयाम बहुत स्मॉल होगा तो जो साउंड प्रोड्यूस होगी वो बहुत फीबल होगी, या हम कह सकते हैं ध्वनि मंद मंद उत्पन्न होगी। फीबल का मतलब मंद उत्पन्न होगी। तो इसका मतलब क्या है, साउंड की दो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है दोस्तों, एक एम्पलीट्यूड और एक फ्रीक्वेंसी। क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि ध्वनि की प्रबलता किसके समानुपाती है, जो आयाम है उसके वर्ग के समानुपाती है। इसलिए जो है आयाम और फ्रीक्वेंसी के बारे में भी हमने अभी बताया, तो फ्रीक्वेंसी और आयाम दोनों ही साउंड की बहुत इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है। अब इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, एक नोट है दोस्तों ये इम्पोर्टेंट है। फ्रीक्वेंसी क्या डिटरमाइन करती है, फ्रीक्वेंसी डिटरमाइन करती है श्रिलनेस, इसका मतलब होता है तीक्ष्णता। तीक्ष्णता या पिच, पिच का मतलब होता है हिंदी में तारत्व। तो फ्रीक्वेंसी किसको डिटरमाइन करती है, श्रिलनेस या पिच ऑफ द साउंड को। इफ फ्रीक्वेंसी अगर जो वाइब्रेशन की है वो ज्यादा होगी तो साउंड बहुत तीक्ष्ण होगा और हाई तारत्व का होगा। अगर फ्रीक्वेंसी जो वाइब्रेशन की होगी कम होगी तो साउंड क्या होगा, लो तारत्व का होगा। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी क्या डिटरमाइन कर रहा है, फ्रीक्वेंसी डिटरमाइन करता है तारत्व ऑफ द साउंड को डिटरमाइन करता है। ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग याद रख लीजिए। दोस्तों एक एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं, जो विसल है, विसल है इसकी क्या होती है, इसकी हाई फ्रीक्वेंसी होती है। अभी हमने बताया जिसकी हाई फ्रीक्वेंसी होती है तो उसकी जो साउंड की तारत्व होती है वो ज्यादा होती है, इसकी तारत्व जो है वो ज्यादा होती है। लेकिन दोस्तों एक एग्जाम्पल है बर्ड का, बर्ड की क्या होती है, बर्ड की हाई पिच होती है, हाई पिच होती है, इसका तारत्व तो ज्यादा होता है। जबकि लॉयन का, लॉयन का लो पिच होता है, लो पिच होता है, लेकिन लायन जब दहाड़ता है तो ये हमें बहुत प्रबल सुनाई देता है, प्रबल सुनाई देता है। और वर्ड का क्या होता है, वर्ड का जो साउंड होता है हमें बहुत फीवल फीवल सुनाई देता है।
अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कि इनऑडिबल साउंड क्या होती है। इनऑडिबल का मतलब जो हम सुन ना सके। तो दोस्तों, जिस साउंड की फ्रीक्वेंसी 20 वाइब्रेशन पर सेकंड से कम होगी, वो हमारे कानों के द्वारा डिटेक्ट नहीं किया जा सकता है। और जिस साउंड की फ्रीक्वेंसी 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा होती है, उसे भी हम अपने कानों से नहीं सुन सकते हैं। तो इस साउंड को क्या कहेंगे हम? इन साउंड को कहेंगे इनऑडिबल साउंड। इसमें हम कुछ एग्जाम्पल बताएंगे कि कुत्ता जो होता है, डॉग, कुछ जंतु होते हैं उसमें कुत्ता आता है, ये कितनी फ्रीक्वेंसी? ये फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से अधिक साउंड को सुन सकता है। और दूसरा एग्जाम्पल जो प्रास्रव्य प्रास्रव्य ध्वनि उपकरण है जो चिकित्सा के क्षेत्र में यूज किए जाते हैं, जो चिकित्सा के क्षेत्र में यूज किए जाते हैं रोगों के निदान के लिए, उनकी फ्रीक्वेंसी जो होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। हमारा अगला पॉइंट है कि हम ऑडिबल साउंड किसे कह सकते हैं। ऑडिबल का मतलब होता है जिस साउंड की फ्रीक्वेंसी को हम सुन सकते हैं उसे ऑडिबल साउंड कहते हैं। इसकी रेंज होती है ह्यूमन ईयर के लिए कितनी? 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप लोग इसको याद रख लीजिए। इसके बाद दोस्तों हम पढ़ेंगे नॉइस पॉल्यूशन क्या होता है। नॉइस पॉल्यूशन का मतलब प्रेजेंस ऑफ किसका बहुत अधिक या अनवांटेड साउंड, जिसकी हमें जरूरत नहीं है, वो एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है तो वो क्या काज करते हैं? वो ध्वनि प्रदूषण काज करते हैं और उसे हम ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। तो दोस्तों इसका कॉज क्या है? इसका कॉज क्या है? साउंड जो वाहनों में लगे होते हैं और जो क्रैकर जिन्हें हम फोड़ते हैं वो बहुत आवाज के साथ फटते हैं। कुछ मशीनें होती हैं जो बहुत आवाज करती हैं, लाउड स्पीकर से भी बहुत आवाज होता है। और दोस्तों ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं जो नॉइस पॉल्यूशन काज करते हैं। दोस्तों इस नॉइस पॉल्यूशन के नुकसान क्या है? अगर हम किसी एनवायरनमेंट में रह रहे हैं या किसी सराउंडिंग में जहां बहुत अधिक नॉइस हो रही है, तो हमें किसकी दिक्कत हो जाएगी? हमें नींद नहीं आएगी, लैक ऑफ स्लीप, या हम कह सकते हैं अनिद्रा अनिद्रा। हमें बीपी की दिक्कत हो सकती है, ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन का मतलब बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है, एंजाइटी, हमें चिंता और बहुत से हेल्थ डिसऑर्डर जो हमें हो सकते हैं नॉइज पॉल्यूशन के कारण। इसलिए अधिक नॉइज जो है हमारे लिए बहुत नुकसानदायी है। तो दोस्तों इस नॉइज पॉल्यूशन को कम कैसे कर सकते हैं? इसको कम करने का तरीका है कि साइलेंसिंग डिवाइस लगाया जाए वाहनों में, एयरक्राफ्ट इंजन में और ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स में क्या किया जाए? साइलेंसिंग डिवाइस लगाया जाए। दूसरा हम क्या कर सकते हैं कि जो नॉइज प्रोड्यूस करती हैं, इंडस्ट्री हैं जो नॉइज प्रोड्यूस करती हैं, उनको क्या है? रेजिडेंटल एरिया से बहुत दूर होना चाहिए, रेजिडेंटल एरिया से बहुत दूर स्थापित करना चाहिए। और हम क्या कर सकते हैं? यूज जो है ऑटोमोबाइल हॉर्न का वो मिनिमाइज कर देना चाहिए। और ट्री लगाने चाहिए रोड के किनारे और बिल्डिंग के आसपास, जिससे जो है ध्वनि हमारे आवासों तक ना पहुंचे। तो दोस्तों अभी तक हमने पढ़ा नॉइस पॉल्यूशन क्या होता है, उसके काज क्या है, उसके साइड इफेक्ट क्या है और उसे हम कैसे कम कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी तक हमने पढ़ा नॉइस पॉल्यूशन किसे कहते हैं, उसके कारण क्या है, वो हमें कैसे नुकसान पहुंचा रहा है और हम उसे कैसे कम कर सकते हैं। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे दोस्तों, जब हम चैप्टर पढ़ा रहे थे 6-7 का, तो हमने बताया था कंडक्टर क्या होते हैं,
और इंसुलेटर क्या होते हैं? इंसुलेटर क्या होते हैं? कंडक्टर वो होते हैं जो अपने अंदर से हीट इजिली पास होने देते हैं। इसमें क्या आते हैं? इसमें सारे मेटल आते हैं। और ना इंसुलेटर क्या होते हैं? जो अपने अंदर से करंट पास नहीं होने देते हैं। इसमें प्लास्टिक हो गया, लकड़ी हो गया, ये सब आता है इंसुलेटर में। तो दोस्तों, अब हमारा अगला पॉइंट है, क्या लिक्विड कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी? तो दोस्तों, जो वाटर होता है जिसे हम प्राप्त करते हैं कहाँ से? टैप से, या किसी हैंड पंप से, या पॉन्ड से। वो वाटर जो है शुद्ध नहीं होता है, उसमें बहुत से सॉल्ट डिसॉल्व होते हैं। जो ये स्मॉल अमाउंट के मिनरल सॉल्ट जो नेचुरली इसमें प्रेजेंट होते हैं, वो क्या करते हैं? वो वाटर को बनाते हैं गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दोस्तों, ये नोट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एक जो डिस्टिल वाटर होता है वो सॉल्ट से फ्री होता है, इसलिए वो पुअर कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। ये नोट भी इंपॉर्टेंट है कि मोस्ट ऑफ लिक्विड कंडक्ट करते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी, वो किसके सॉल्यूशन होते हैं? वो सॉल्यूशन होते हैं दोस्तों, एसिड का सॉल्यूशन हो सकता है, बेस का सॉल्यूशन हो सकता है, या सॉल्ट का सॉल्यूशन हो सकता है। तीसरा नोट क्या है दोस्तों हमारा? अभी हमने बताया कि मिनरल सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं वाटर में स्मॉल अमाउंट में नेचुरली, ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत लाभदायक होते हैं। ये साल्ट ही क्या करते हैं? ये साल्ट वाटर को क्या करते हैं? गुड कंडक्टर बनाते हैं इलेक्ट्रिसिटी का। इसलिए जब कभी भी हमारा हाथ गीला हो तो हमें इलेक्ट्रिक अप्लायंस को हैंडल नहीं करना चाहिए। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्या होता है दोस्तों? हीटिंग इफेक्ट की वजह से जो फिलामेंट होता है बल्ब का, वो हीट हो जाता है हाई टेम्परेचर पे और स्टार्ट कर देता है ग्लो करना। यदि करंट सर्किट में दोस्तों हम बहुत वीक प्रोवाइड करते हैं तो ये फिलामेंट जितना हीट होना चाहिए उतना हीट नहीं होता है, इसलिए वो ग्लो नहीं करता है। तो दोस्तों, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम जितना ज्यादा करंट देंगे उतना ज्यादा फिलामेंट हीट होगा और वो बल्ब उतना ही अच्छा ग्लो करेगा। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। तो दोस्तों, जब हम इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हैं किससे? किसी भी कंडक्टिंग सॉल्यूशन से, तो वो क्या कॉज करता है? उसमें केमिकल रिएक्शन करवाता है जिसकी वजह से क्या होता है? बुलबुले बनते हैं गैसों के उस इलेक्ट्रोड पे। तो जो डिपॉजिट होता है मेटल का किसी इलेक्ट्रोड पे, वो चेंज जो होता है क्या करता है? वो सॉल्यूशन के कलर को चेंज करता है। तो जो ये रिएक्शन होती है वो किस पे डिपेंड करती है? कि आप कौन सा सॉल्यूशन यूज कर रहे हो और कौन सा इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हो। एग्जाम्पल है दोस्तों इसमें, एक विलियम निकोलसन साइंटिस्ट से, इन्होंने एक इलेक्ट्रोड को इमर्स किया वाटर में। तो इन्होंने देखा कि इसमें से जब करंट पास होती है तो इसमें गैस के बुलबुले प्रोड्यूस होते हैं। वो गैस कौन सी होती है? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ऑक्सीजन जो होती है वो प्रोड्यूस होती है पॉजिटिव टर्मिनल पे, और जो हाइड्रोजन होती है वो प्रोड्यूस होती है नेगेटिव टर्मिनल पे। दोस्तों, ये डेफिनेशन इम्पॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग किसे कहते हैं? इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब होता है डिपॉजिट करना किसी डिजायर्ड लेयर ऑफ मेटल की किसी अदर मटेरियल के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा। इसे ही हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोप्लेटिंग। एग्जाम्पल के तौर पे हम क्रोमियम की प्लेटिंग करते हैं ऑब्जेक्ट, जैसे कार के कुछ पार्ट हो गए, बाथ टैब हो गया, किचन गैस बर्नर, और जो व्हील की रिम होती है, और बहुत सी जगह ऐसी जो जहां हम क्रोमियम की प्लेटिंग करते हैं। दोस्तों, क्रोमियम बहुत शाइनी अपियरेंस होता है, ये जल्दी इसमें जंग नहीं लगती है, ये स्क्रेच को भी रोकता है। दूसरा नोट है, टिन का हम यूज करते हैं फूड को स्टोर करने के लिए। जो बनाया जाता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग के द्वारा,
इनटू द आयरन, क्योंकि टिन जो होता है वो कम रिएक्टिव होता है आयरन से, इसलिए जो फूड होता है वो डायरेक्ट कांटेक्ट आयरन के नहीं आ पाता है और खराब होने से उसे हम बचा लेते हैं। दोस्तों ये एक सलूशन है जिसमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग को समझाया गया है। इस सलूशन में क्या है, कॉपर सल्फेट का सलूशन है। जब हम इसमें क्या करते हैं, जब हम इसमें क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट, इसमें अगर हम इलेक्ट्रिक करंट क्या करेंगे, इसमें जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो जो ये कॉपर सल्फेट होता है वो किस में टूट जाता है, Cu+2 आयन और SO4-2 आयन में टूट जाता है। दोस्तों मान लो इसमें एक बैटरी लगी हुई है, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। अभी हमने बताया जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो ये कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन किस में टूट जाता है, Cu+2 आयन और SO4-2 आयन। तो जो ये Cu+2 आयन होता है ये क्या करता है, ये जाके डिपॉजिट हो जाता है नेगेटिव टर्मिनल पे और दूसरे इलेक्ट्रोड से क्या होता है, जो ये कॉपर प्लेट है इससे कॉपर क्या है, इससे कॉपर जो है सोल्यूशन में आने लगता है, सोल्यूशन में डिसॉल्व होने लगता है। तो जितनी मात्रा जो है कॉपर की इस नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी पे डिपॉजिट होता है, उतना ही कॉपर का अमाउंट इस कॉपर प्लेट से डिसॉल्व होके सोल्यूशन में आ जाता है। तो इस तरीके से जो लॉस होता है कॉपर का सोल्यूशन से वो रिस्टोर्ड हो जाता है और ये प्रोसेस चलती रहती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कॉपर है वो क्या हुआ, वो ट्रांसफर हो रहा है किस पे, एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड पे। तो दोस्तों आज हमने साउंड को पढ़ा, साउंड कैसे ट्रेवल करती है, ऑसिलेटरी मोशन के बारे में पढ़ा, इनऑडिबल साउंड, ऑडिबल साउंड की कितनी फ्रिक्वेंसी होती है, नॉइज पॉल्यूशन हम किसे कहते हैं, इसके बाद हमने पढ़ा हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट और केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट, हमने इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बारे में दोस्तों देखा। तो इस तरीके से आज हमने दो चैप्टर फिजिक्स का कंप्लीट किया है। दोस्तों यदि आपको कोई भी डाउट हो तो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं हमसे। धन्यवाद।